पांच बार चैंपियंस बनी मुंबई इंडियंस की टीम ने, पांच प्लेयर्स रिटेन करे हैं आईपीएल 2025 के लिए और 45 करोड़ रुपीस का पर्स बचा है। अब इसके अलावा प्लेइंग 11 में 6 लोगों की जगह बची है। क्या छठवां सीजन मुंबई इंडियंस जीत पाएगी अपना, वो तो वक्त ही बताने वाला है। आज के इस वीडियो की बात करें तो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए मुंबई इंडियंस की कैसे क्या ऑक्शन स्ट्रेटेजी रह सकती है, किन प्लेयर्स को टारगेट करें, किन को नहीं करें, पर्स बहुत लिमिटेड है, जॉस बटलर, मिचेल स्टार्क, ये सब प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे। मैं अभी से बता रहा हूं, जितने भी लोग अभी मेरे को पता है कमेंट करेंगे कि जॉस बटलर आ जाना चाहिए, हमको होम कमिंग चाहिए जॉस बटलर की, भाई बहुत मुश्किल है यार, 45 करोड़ रुपीस का पर्स है, थोड़ा देखो जरा, 15-1 करोड़ के आसपास सिर्फ एक ही प्लेयर मुंबई इंडियंस की टीम खरीद सकते हैं, वो भी मेरे को नहीं लगता कि मुंबई खरीदेगी, 10 या 11 करोड़ के आसपास एक या मैक्सिमम दो प्लेयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप, बहुत लिमिटेड पर्स है आपके ऊपर, आरसीबी पंजाब बैठी है, पर्स के मुकाबले में बहुत मुश्किल होने वाला है। देखते हैं, थोड़े अंडररेटेड पिक्स निकाल कर लाया हूं जो सस्ते में मिल सकते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लेकिन उसके पहले वीडियो के नीचे अभी कमेंट करके बता दो कौन कौन से प्लेयर्स मुंबई इंडियंस को टारगेट करना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलो भाई शुरुआत करते हैं दुनिया इनिंग्स। चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो पूरे पांच इंडियन कोर प्लेयर्स आपने रिटेन करे हैं उनको प्लेइंग 11 में सेट करें तो नंबर 2 पे आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे रोहित शर्मा, इसके अलावा 3 पे सूर्य कुमार यादव है, 4 पे तिलक वर्मा है और नंबर 5 या 6 पे दोनों में से कहीं एक आपको हार्दिक पांड्या एज एन कैप्टन देखने को मिलने वाले हैं। अभी मैं नंबर 5 पे रख रहा हूं और इसके अलावा नीचे बात करें तो आपको नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस को चाहिए क्या मेन प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले एक ओपनर, अगर विकेट कीपर ओपनर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होने वाली है, ईशान किशन को आई डोंट थिंक ये वापस से लेने वाले हैं, बट विकेट कीपर ओपनर चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड है फिनिशर्स, क्वालिटी फिनिशर्स चाहिए आपको नीचे हार्दिक पांड्या के नीचे जो अच्छा फिनिश दे पाए। इसके अलावा बॉलर्स की बात करें तो जैसा ट्रेंड कहता है मुंबई इंडियंस को फॉरेन फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर वो मिल जाते हैं तो अच्छी बात होगी, काफी अच्छे अच्छे नाम लेके आया हूं जो सस्ते में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बैकअप्स मिल जाए और अगर एक क्वालिटी लेग स्पिनर मिल जाए तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। तो चलो टारगेटेड प्लेयर्स की बात करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉरेन ओपनर से, तो वहां पर नाम है फिल सॉल्ट और जॉस बटलर का, बट ये ओवर बजट चले जाएंगे। बटलर तो पंजाब वगैरह में जा सकते हैं या आरसीबी बाय एनी चांस अगर बिट कर दे तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, बटलर छोड़ दो, बटलर नहीं आने वाले। फिल सॉल्ट की बात करें तो केकेआर की टीम फिल सॉल्ट को वापस से अपनी टीम में वापस लेना चाहेगी एज एन आरडीएम पिक, तो फिल सॉल्ट को भी छोड़ दो, नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है रहमानुल्लाह गुरबाज, रायन रिकल्टन जो ऐसे टी20 लीग में अच्छा खेले हैं, साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर ओपनर है। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक है, जॉश इंग्लिस है, फिन एलन है, ये कुछ नाम है। यहां पर दो मेन प्रायोरिटी पे नाम दूं मैं अगर तो वो हो सकते हैं रायन रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों में से कोई एक मिल जाता है तो अच्छी बात हो जाएगी। रायन रिकल्टन थोड़ा चीपर ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक हो सकता है आपको 7 या 8 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े, बट एक वैल्यूएबल पिक है। क्विंटन डिकॉक पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा खेले हैं, बट वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हो सकता है भाई आईटीएम कार्ड लगा दे, वो तो वक्त ही बताएगा, बट रायन रिकल्टन या क्विंटन डिकॉक में से कोई एक फॉरेन ओपनर आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा, बटलर नहीं आने वाला। इसके अलावा 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सेट है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे आपको यहां पर अब चाहिए फिनिशर्स के लिए नेहल वदीरा आप एज एन आरटीएम पिक वापस से ला सकते हो। खैर मतलब नेहल वदीरा पहले मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, बट अगर आप उनको नीचे खिलाना चाहते हो तो नीचे खिला सकते हो, नेहल वदीरा एक अच्छा ऑप्शन है। टिम डेविड एक अच्छा ऑप्शन है, टिम डेविड को आप वापस एज एन आरटीएम तो नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपके पास जो आरटीएम है वो सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर के लिए ही है, तो टिम डेविड अगर आप वापस लाना चाहते हो तो ला सकते हो। देखो पिक अच्छा है, सस्ते में हो सकता है मिल भी जाए, 4 या 5 करोड़ में मिल जाए क्योंकि टीमें नहीं जाने वाली, क्योंकि टिम डेविड का मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, बट प्लेयर का कैलिबर अच्छा है, कारण पुलॉट का एज अ रिप्लेसमेंट लेके आए थे आप, उतना अच्छा तो नहीं मिल पाएगा आपको, बट टिम डेविड ऑप्शन अच्छा है, वापस से ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, सस्ते में भी मिल जाएगा। इसके अलावा डेविड मिलर का ऑप्शन है, बट मिलर आई थिंक थोड़ा महंगा जा सकते हैं, गुजरात टाइटन्स वहां पर आरटीएम कार्ड ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, नमनधीर नेहल वदीरा दोनों को आप एज एन आरटीएम कार्ड पिक कर सकते हो वापस से। समीर रिजवी का एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, हो सकता है सीएसके की टीम उनके ऊपर आरटीएम लगा दे, तो यहां पर नंबर 6 पे अभी मैं रख रहा हूं मैं समीर रिजवी स्लैश नमनधीर स्लैश नेहल वदीरा, किसी एक को पिक कर सकते हो। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे एक और फिनिशर चाहिए, यहां पर एक फॉरेन ऑप्शन मैं रख रहा हूं रोमारियो शेपर्ड का। रोमारियो शेपर्ड आपके लिए पहले भी खेले हैं, बोलिंग डिपार्टमेंट में भी ये अच्छा आपको सपोर्ट दे सकते हैं एज एन प्रॉपर ऑलराउंडर, तो रोमारियो शेपर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। स्लैश टिम डेविड का भी ऑप्शन है, बट अब टिम डेविड से ज्यादा अच्छा ऑप्शन आई वुड से कि रोमारियो शेपर्ड हो सकता है, क्योंकि रोमारियो शेपर्ड आपको फास्ट बोलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं बोलिंग डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट की तरफ तो एक फॉरेन फास्ट बॉलर आने वाला है और एक फॉरेन स्पिनर भी आपको देखने को मिलने वाला है। फॉरेन फास्ट बॉलर की बात करें तो मिचेल स्टार्क का सबसे पहले ऑप्शन आता है, बट स्टार्क बहुत ज्यादा ओवर बजट चले जाएंगे। पिछले ऑप्शन में भी मुंबई इंडियंस की टीम 8 या 9 करोड़ रुपए तक स्टार्क के पीछे गई थी, बट कोई फायदा नहीं, आपको नहीं मिलने वाले, स्टार्क ओवर बजट जाएंगे, तो स्टार्क हटा दो। इसके अलावा ऑप्शन से लोकी फर्गसन, नुवन तुषारा, मार्को यानसन, नांद्रे बर्गर, गेल कोजी अगर वापस से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मुंबई के लिए थोड़ा महंगा साबित हुए थे पिछले सीजन। जॉश हेजलवुड का भी एक ऑप्शन है और थॉमस ड्रेका जो इटली के प्लेयर है, एमआई एमिरेट्स की टीम से खेले हैं वो, जो एमएलसी होता है मेजर लीग क्रिकेट, वहां पर एमआई एमिरेट्स की टीम से थॉमस ड्रेका खेले थे, इकलौता इटली का प्लेयर, हो सकता है मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में ले आए, देखते हैं, इंटरेस्टिंग पिक होने वाली है। तो यहां पर अभी फॉर नाउ नंबर 8 पे मैं रख रहा हूं मार्को यानसन या जॉश हेजलवुड को, दोनों में से कोई एक मिल जाता है तो अच्छा ऑप्शन होगा। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 9 के लिए, एक फॉरेन स्पिनर मिल जाता है तो वेलन गुड होने वाला है, जहां पर मैंने 3 नाम रखे, कोनिंदो असरंगा, केशव महाराज और तबरेज़ शम्ज़ी का। चौथा नाम आप एडम ज़ाम्पा का भी रख सकते हो, चारों ही आपको लेस देन 5 करोड़ में मिल सकते हैं। हसरंगा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा चले जाए, बट मेरी पर्सनल पिक है कि बनिंदु हसरंगा अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर हसरंगा नहीं मिलते हैं तो फिर आप केशव महाराज या तबरेज़ शम्ज़ी के पीछे जा सकते हो। हाँ, नंबर 8 पे जो मैंने फॉरेन फास्ट बॉलर बताया है वहां पर आप ट्रेंट बोल्ट का नाम रख सकते हो, बट बोल्ट नहीं मिलने वाले, बोल्ट आराम से आपको 10 या 11 करोड़ रुपए में बिकते हुए दिखेंगे, क्योंकि आरसीबी को भी चाहिए, पंजाब किंग्स को भी चाहिए, बोल्ट नहीं मिल पाएंगे। यार रबाडा का भी ऑप्शन है, बट ये सब है ना थोड़े महंगा ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े सस्ते ऑप्शन बता रहा हूँ। जेसन मेरेंड्रॉप का एक ऑप्शन है, वो सस्ते में मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं एक इंडियन स्पिनर की, तो इंडियन स्पिनर के रूप में आप श्रेयस गोपाल, राहुल चहर, साई किशोर, सुयेश शर्मा या मयंक मार्कंडे, 5 ऑप्शन है, 5ों में से किसी एक को खरीद सकते हो। श्रेयस गोपाल एक आइडियल पिक होगा, वापस से ले आओ, या राहुल चहर भी एक अच्छा ऑप्शन है, वापस से आप उनको ले आओ, और ये इंपैक्ट प्लेयर में रख रहा हूं अभी मैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पे आई थिंक आकाश मडवाल को वापस एज एन आरटीएम पिक आप ला सकते हो, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात करें तो वैसे तो बहुत ज्यादा है, भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शमी है, खलील अहमद है, बट ये सब थोड़े महंगे ऑप्शन है। आकाश मधवाल आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है तो वापस से आप लेके आ सकते हो, और नंबर 11 पे आपके पास जसप्रीत बुमराह तो है ही। ये प्लेइंग 11 होगा। बैकअप्स की बात करें तो बैकअप्स में एट दी एंड अगर रायन रिकल्टन, क्विंटन डीकॉक ओपनर में आपको नहीं मिलते हैं तो आप शाय होप या मैथ्यू बेट के पीछे जा सकते हो। होप एक अंडररेटेड ऑप्शन है, ओडीआई प्लेयर है मोर ऑफ, बट दावा खेल सकते हो आप, शाय होप या मैथ्यू बेट हो जाएंगे। इसके अलावा रोमन पोवेल है आपके लिए, मिडिल ऑर्डर बैकअप हो जाएगा, अच्छा कहीं भी खेल सकता है एज एन फ्लोटर। मार्क वुड का ऑप्शन जरूर है, बट मार्कवुड थोड़ा महंगा जा सकता है, मिल जाते हैं तो वेलन गुड है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके अलावा एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए मैंने अनुज रावत और जितेश शर्मा को रखा है, इंडियन विकेट कीपिंग बैकअप ऑप्शन के लिए अनुज रावत और जितेश शर्मा हो जाएंगे। चेतन सागर या कार्तिक त्यागी, शिवम मवि, ये सब जो इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं उनके बैकअप हो जाएंगे। मिचेल सैंडनर और कमिंदु मेंडिस 2 और फॉरेन स्पिनर्स हैं, इन दोनों के पीछे भी आप जा सकते हो एज एन बैकअप। और अंशुल कंबोज जो पिछले सीजन आपके लिए खेले थे, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, करीब 20-22 साल की हैं, तो आप उनको ले सकते हो वापस से। और एट दी एंड जेसन मेरेंड्रॉप और जोशुआ लिटिल है जो आप एज एन फॉरेन फास्ट बॉलर बैकअप ले सकते हो। तो यह है पूरा मुंबई इंडियंस का लेखा जोखा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना। इसके अलावा आप मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से प्लेयर्स मैंने मिस कर दिए, कौन से प्लेयर्स मुंबई इंडियंस को लेना चाहिए, बट स्टिल 45 करोड़ रुपीज का एक पर्स थोड़ा छोटा है तो इंटरेस्टिंग होगा ऑप्शन मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। अब मेरी तरफ से आज की वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। चलो बाय बाय।